कुछ समय पहले आइसक्रीम कोन में निकली उंगली कांड काफी चर्चा में थी। दरअसल इस कांड में एक व्यक्ति को एक आइसक्रीम में किसी इंसान की उंगली का मांस का टुकड़ा मिला था, जिसके बाद सोशल मीडिया में खलबली मच गई थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ था। घटना के संबंध में बता दी कि मलाड के रहने वाले डॉक्टर ओलम ब्रेडन ने सिराओ ने ऑनलाइन आइसक्रीम मंगवाई थी। उन्होंने आइसक्रीम खोली तो वे सन्न रह गए। उन्होंने फोटो को ऑनलाइन शेयर किया जिसमें मांस का टुकड़ा बाहर दिखाई दे रहा था। डॉक्टर ने कहा कि मुझे तो पहले लगा कि यह कोई अखरोट होगा, लेकिन बाद में जब ध्यान से देखा तो पता चला कि वह उंगली है। इसे देखकर डॉक्टर घबरा गया और मलाड पुलिस स्टेशन पहुंचा और प्राथमिकी दर्ज करवाई। इस मामले में FSSAI ने बताया कि FSSAI के पश्चिमी क्षेत्र कार्यालय की एक टीम ने आइसक्रीम निर्माता के परिसर का निरीक्षण कर उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया है। उन्होंने कहा था कि आइसक्रीम की डिलीवरी करने वाले आइसक्रीम निर्माता इंदापुर पुणे में स्थित है और उसके पास सेंट्रल लाइसेंस भी है। जांच के लिए FSSAI की टीम ने फैक्ट्री के परिसर से नमूने एकत्र किए थे। बहरहाल जांच के दौरान किए गए DNA परीक्षण का परिणाम आ चुका है। DNA जांच रिपोर्ट के अनुसार मुंबई के मलाड इलाके में आइसक्रीम कोन में मिली उंगली का सिरा पुणे के इंदापुर में एक आइसक्रीम फैक्ट्री के कर्मचारी का है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि दिन में प्राप्त फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में कहा गया कि उंगली के सिरे और आइसक्रीम फैक्ट्री के कर्मचारी ओमकार पोटे DNA एक ही हैं। पुलिस अधिकारी ने कहा इंदापुर फैक्ट्री में आइसक्रीम भरने की प्रक्रिया के दौरान पोटे की बीच की उंगली का एक हिस्सा कट गया था। बाद में यह मलाड के एक डॉक्टर द्वारा ऑर्डर किए गए आइसक्रीम कोन में पाया गया, जिसे अधिकारियों को सूचित किया गया।